चले। नाज़रीन, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं, बहुत मकबूलियत हासिल करते हैं। तारीख में आप देखिए, बहुत से ऐसे सरबराहान और हुक्मरान आए जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, उनकी आवाम और लोग उनसे बहुत प्यार करते रहे। इस वक्त, इस इरा में अगर हम देखें तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जो शोहरत की बुलंदियों पर है। 2001 के बाद अगर ये कहा जाए कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो सही होगा। 2001 से 2014 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने और अब तक वो अपनी पॉपुलैरिटी कायम रखे हुए हैं। जो नए सर्वे आए हैं, अभी मैं देख रही थी कि इंडिया टुडे में कल का सर्वे है, इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी जराया ब्लॉक के जरिए जो सर्वे हुए उसमें अभी तक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 87%, कुछ कहते हैं 67%, यानी ये कि 70 से 80 के बीच अभी तक जो भारत के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, जो उनका नजरिया है, उनके साथ चल रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं और उसी की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? नरेंद्र मोदी जी में ऐसी क्या खूबियां हैं? और साथ में हम बात करेंगे कि उनपे कुछ हवालों से तनकीद की जाती है, कहते हैं कि एक पॉपुलर होने की वजूहत के साथ साथ कुछ ऐसा भी है कि जिसकी वजह से भारत में कुछ तफरीक आई है हिंदू और मुसलमान के बीच। तो क्या ये तनकीद दुरुस्त है? इस पर भी हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ आप देख ही रहे हैं बहुत मारूफ जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, ऑथर, एक्टिविस्ट और बहुत जानी पहचानी शख्सियत जनाब तारिक फतेह साहब मौजूद है एक मरतबा फिर। तारिक फतेह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय प्रोग्राम। सर, नॉट वालेकुम सलाम। सर, आपसे बेहतर इस मौजू पर कौन बोल सकता है? जिस तरह मैंने ये कहा, तारिक फतेह साहब, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम होने में नहीं आ रही। अगर ये कहा जाए कि ये राइज ऑफ नरेंद्र मोदी है, तो दूसरी जानब फॉल ऑफ गांधी फैमिली या कांग्रेस है, वो फैमिली जो कि डेकेड से इस हुक्मरानी में थी, उनको जो है वो उन्होंने पीछे हटा के वो सामने आए। और फिर ये एक एक लोअर मिडिल क्लास से उठकर ऊपर आना भारत में और यहां तक पहुंचना और फिर इतने अरसे तक पॉपुलैरिटी कायम रखना। मैं आपसे, मेरा पहला सवाल ये होगा कि वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी क्या चीज है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी इतने मकबूल हैं भारत में? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी कांग्रेस की वीकनेस है कि आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मास पॉलिटिकल पार्टी के बजाय एक फैमिली की ओनरशिप बन गई। और आप देखिए कैसे राजीव गांधी के बाद ये हमारे जो जूनियर लेवल के हैं उसी फैमिली से उनकी वालदा को पार्टी का हेड बना दिया, जबकि शी हैड एब्सोल्युटली नो बैकग्राउंड इन पॉलिटिक्स और इन इंडिया। वो अब भी बैठी हुई हैं एज हेड ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके अंदर जितने भी टॉप की लीडरशिप थी वो आहिस्ते आहिस्ते विदर अवे हो गई है। अब आप देखिए कि दो स्टेट्स केरला और पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन वहां दोनों के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, चाहे शशि थरूर हो या कैप्टन अमरिंदर हो, वो सोच भी नहीं सकते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप कभी ले सके। इसी तरह कई लेवल पे दी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द बीजेपी इज द एब्सेंस ऑफ एनी ऑपोजिशन। कोई और पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जो कि एक विजन को लेके एक नेशनल पार्टी बन सके। अब ये तो नहीं हो सकता है कि नेहरू जी की इबादत के अंदर जो लोग हैं वो एक सियासी मूवमेंट हो। कोई विजन भी तो होता है आपका बाहर का। मोदी जी ने ये जो एक इंडियन पॉपुलेशन को, खास तौर पे जो हिंदू मेजोरिटी है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट दिलवाई है, ये एक बड़ी ही अजीब सी यूनिक उनकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आजादी के बाद से ही 47 की जो मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री पॉलिसी जितनी थी वो गवर्न होती थी मुस्लिम वीटो से कि ये ना वोट बैंक हिंदुस्तान में जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं आए हैं उस वोट बैंक को किसी तरह नाराज ना किया जाए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ भी चल रहा है, चार बीवियां भी अलाउड हैं, दे हैड अ पैरेलल गवर्नमेंट। इन्होंने जो ले जाके ट्रिपल तलाक और इस टाइप का
ये असर्ट किया हिंदुस्तान की जो तारीख है पिछले 5000 साल से कम से कम लेके, आप देखिए टैक्सिला मोहनजोदारो से लेके नीचे तमिल, और फिर वो रिस्टोर की है अ प्राइड इन देयर पास्ट, और उसमें लोगों को भारतीय होने की एक यकजहती महसूस हुई कि 29 स्टेट्स हैं लेकिन हमारी जो हेरिटेज है हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया की अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो मुस्तकिल, आप देखिए कि इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसका अल्टरनेटिव एक वो शख्स है जिसको तंजिया कांग्रेस वाले कहते थे चाय वाला, तो उसने तो पलटा खा के दिखा दिया कि इस हिंदुस्तान इसेंशली है ही गरीब लोगों का, उनको कैसे उठाया जाए। वो काम जो किसी जमाने में हम समझते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कांग्रेस करेगी, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट के अगर ना हो तो नो नेशंस कैन राइज। अभी आप उसमें पाकिस्तान को आप देख रहे हैं कि उनको, पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि वो हैं कौन, तो वो पटरी पे कभी रह नहीं पाएंगे। बांग्लादेश को देखिए, दोनों दे नो एग्जैक्टली कि वो बंगाली स्पीकिंग है, वो मुसलमान है और वो अपनी जबान और टैगोर से प्यार करते हैं, उनके नेशनल एंथम में है, उनको शर्मिंदगी नहीं है अपनी बंगाली होने की। आप देखिए वो 10% ग्रोथ पे चल रहे हैं। इसी तरह इंडिया में एक सेंस ऑफ रिजुविनेशन है जिसे मैं कहूँ, मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई हैव विजिटेड देयर इन द लास्ट 10, जब सलमान खुर्शीद फॉरेन मिनिस्टर थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी मैं वहां गया था। ये जो उनके सिलेबस में उनको पढ़ाया जाता था कि जिन लोगों ने आके तुम्हें बर्बाद किया है वो तुम्हारे हिस्टोरियंस हैं, कि जिस मुल्क में एक कब्र नहीं होती थी क्योंकि हिंदूज डोंट बरी द डेड, वहां ताजमहल एक कब्र को नेशनल सिंबल बनवा दिया गया। तो बनाया तो वही हिंदू नहीं है, मजदूर भी वही थे, मटेरियल भी वही था, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर्स ने इस तरह किया कि अब दिल्ली का मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे मेन सड़क का नाम था औरंगजेब रोड। अब वो शख्स जिसने तारीख में इतने हिंदू और इतने शियाओं और इतने लोगों को मारा, आपको शायद पता ना हो, औरंगजेब स्टफ्ड फूड इन द माउथ ऑफ द दाऊदी बोरा जो शिया कम्युनिटी है, उनके सैयदना को, कि उन्होंने क्योंकि वो फिक्स्ड कैलेंडर से चांद देखते हैं, ये मिस्र से आए हुए लोग है ना, तो फैटमाइट कैलेंडर फॉलो करते हैं, ही स्टफ फूड इन हिज माउथ टू किल हिम। मंदिरों को गिराया है, अब एक सड़क लोधी, एक एरिया लोधी गार्डन है। अब वो शख्स जिसने इन्वेड किया, बर्बाद किया हिंदुस्तान को, उसके नाम पे दिल्ली का सबसे पॉश एरिया नजर आ रहा है। तो एक मीकनेस आ गई थी इंडियन हिंदू पॉपुलेशन में अपनी इंफीरियोरिटी की, ये मैं समझता हूं कि अगर हमने कुछ किया तो हमारी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि मौलाना आजाद से लेके बाद तक प्रेसिडेंट्स और ये सब जो थे, देवर देर हैज बीन अ फेली मुस्लिम प्रेजेंस इन एट द लीडरशिप। मोदी जी के आने के बाद किसी हिंदू को ये शर्मिंदगी नहीं है कि उसने को गलती की तब उसके ऊपर 1000 साल तक मुसलमानों ने और बाद में 200 साल अंग्रेज ने हुकूमत की, जो पहले एक था उनका। अब भी उनमें वो मिलिटेंसी नहीं है जो पाकिस्तान में हम बैठ के सोचते हैं कि अरे वहां हिंदू एक्सट्रीमिज्म है और ये वो। किसी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट से मिले तो जमात इस्लामी वाले और ये जो बाकी हमारे रेडिकल्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ओवर देयर। और मोस्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फाइंड इट नॉर्मल टू लिव टुगेदर। लेकिन ये जो था कि मीकनेस ही मैं कहूंगा उसको उन्होंने, सही, इसका मतलब ये हुआ तारिक फतेह जी कि ये अब ऐसा समझा जाए कि जब एक एलीट क्लास कई डेकेड्स तक हुक्मरानी में रहती है तो उसके बाद जो आवाम है उसके इमोशंस में ऐसा कुछ होता है कि जिसकी वजह से फिर वो उठ खड़े होते हैं और फिर वो अपने तबके से जो है वो किसी को लाना चाहते हैं। तो मोदी जी की एक बड़ी वजह हम पॉपुलैरिटी की ये समझें।
टू अ सर्टेन डिग्री फिर बहुत उन्होंने ऐसे सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए हैं कंट्री वाइड, आपका जो बैंक अकाउंट्स लोगों के खुलवाए हैं, फिर इन्होंने टॉयलेट्स पब्लिकली कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, एक बड़े ग्रास रूट्स लेवल पे ही हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट सम चेंजेस जिससे लोगों को ये पसंद आते हैं कि ये. और एक चीज जो बड़ी यूनिक है, इन कोई 8 साल में करप्शन एट द टॉप हैज बीन इलिमिनेटेड. ये बड़ी एक यूनिक सी चीज है जो पहले हम सुना करते थे, फलानी बोफोर्स स्कैंडल, वो हेलीकॉप्टर पे कोई कमा गया, कोई इधर कर गया. वो यहाँ एट द टॉप नीचे लेवल पे होगी, कोई रिश्वत ले रहा है ये सब, बट वो जो मैस स्केल में इंडिया के लूटमार थी, यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग. लेकिन इतना बड़ा मुल्क है कि यू स्टिल हैव प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं कि वो जन्नत है, बट पीपल हैव होप नाउ. ठीक, मोदी जी के बारे में जो सर्वे आए हैं, जो कहा जाता है कि, ये भी कहा जाता है कि वो बड़े फराख दिल नजर आते हैं, यानी ये कि जब वो मीडिया से मिलते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो वो गले मिलते हैं और उनका जो मिलने का अंदाज है बड़ा वो है. लेकिन क्या जो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी के इक्तदार के बाद क्या जो भारत है वो उनकी इरा में क्या इकोनॉमी में बहुत आगे गया हुआ नजर आएगा, ऐसा है? देखिए, वो पूरी दुनिया एक शिफ्ट कर रही है टूवर्ड्स न्यू इकोनॉमी, उसमें वो आसानी से फिट हो रहे हैं. क्योंकि अगर आप जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज के कहीं पे भी आप चले जाएं, हर एक के पास एक सेलफोन है, तो एक कम्युनिकेशन इजी हो गया है, बैंक अकाउंट सबके पास हो गया है. ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं एक शख्स की प्रोडक्टिविटी को. अभी आप देखिएगा कि जो दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट फॉर एग्जांपल है, उन्होंने उस पर तवज्जो ही नहीं दी कि कौन कर रहा है, क्योंकि अभी जैसे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भी लिखा था, ये उन ठेकेदारों का प्रोटेस्ट है जो गरीब किसान को उस लेवल पे नहीं आना देते कि वो दैट ही कुड डू अवे विद द मिडिल मैन. तो बड़े चैलेंजेस हैं इंडिया में, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक फ्यूचर उन सबको लोगों को नजर आता है कि आप देखिए G7 की मीटिंग है, उसमें मोदी जी को बुलाया जाता है. आप सऊदी अरेबिया से देखिए उनके ताल्लुकात, वो इसराइल भी चले जाते हैं, पैलेस्टाइन में भी जाते हैं, उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट इतनी हो रही है कि दे इंडिया इज द मेन चैलेंज टू चाइना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है, यूरोपियन मार्केट देखती है. अब क्वाड जो बना है, ऑस्ट्रेलिया, अपना जापान, उसमें इंडिया शामिल है, तो एक इट हैज सडनली बिकम रीजनल पावर. और उसका लीडर जो है वो अपने कुर्ते पजामे में जाके दुनिया भर में एड्रेस करके आ जाता है. अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखें, ही हैज डन समथिंग दैट बाकी दुनिया में लोग देखते हैं कि ये इंडिया इज नाउ समथिंग यू कैनॉट इग्नोर. और जो किसी जमाने में पाकिस्तान को इंडिया पे वो था, एडवांटेज था, क्योंकि पाकिस्तान सीटो सेंटो का मेंबर था, वेस्टर्न एलाय था, वो हमने अफगानिस्तान से दुश्मनी लेके ना वो गंवा दी. अब इंडिया की दो मुस्लिम कंट्री से ताल्लुकात अच्छे हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो ये हिंदू मुस्लिम का भी चक्कर खत्म हो गया. क्योंकि अगर सो इन सम वेज ही हैज हैंडल्ड इट वेरी वेल. ओके, ठीक. तारिक फतेह जी, एक बहुत बड़ी तनकीद जो नरेंद्र मोदी साहब पर की जाती है वो ये है कि एक हिंदुत्व का नाम लिया जाता है, कि एक नेशनलिज्म का सहारा लेकर या रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों को जो है, लोग इस वजह भी से भी उनकी तरफ हैं, और इस वजह से एक वो मुल्क जो कि दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है, जो दुनिया का बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क कहलाता है, उसका जो एक सेकुलरिज्म है उसके ऊपर आंच आई है और लोग मुसलमानों पे वक्त जो है वो मुश्किल आया. तो ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी तनकीद की जाती है. उसके बाद एक और तनकीद पे हम बात करेंगे जो एक और सवाल उठाया जाता है, लेकिन पहले आप मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी. देखिए, हिंदुत्वा जो है, ये किताब लिखी थी सावरकर ने व्हेन ही वाज इन प्रिजन इन अंडमान आइलैंड्स,
वो हर महीने सफेदी होती थी कमरे में, तो उस पे फिर वो कोले से लिख के, देन ही वुड मेमोराइज इट एंड देन हर महीने से. सो इट्स अ वेरी थिन बुक. मैं चाहता हूँ आप भी पढ़ें हिंदुत्वा, द टाइटल ऑफ द बुक इज. सावरकर वॉज एन एथियस्ट. सो ये कहना कि ये मजहबी रुझान. भगत सिंह फॉर एग्जाम्पल, ये भी एथियस्ट थे, जिसको नास्तिक कहते हैं हिंदी में और हम देहरिया कहते हैं. ये वो लोग जो मजहब से आजाद थे, ये उनका था कि ये हिंदू, देखें हिंदू वर्ड भी हिमालय और ये जो ओशन, इंडियन ओशन है, इससे मिला हुआ है. या उसके अंदर जो मिस प्रोनाउंसिएशन हुई लफ्ज इंदू की, या ये इंडस रिवर भी पाकिस्तान में बहता है, इंडिया में तो नहीं बहता. तो जी लफ्ज जी ये सब इंडस से ही निकले, टेक्सिला से निकले हैं इनकी सबकी, नीचे तामिल एरिया जो है. सो ऑल ऑफ दिस वॉज सबड्यूड एंड डिस्ट्रॉयड साइकोलॉजिकली बाय द सुल्तान्स एंड द मुगल डायनेस्टी. एंड सब्सिक्वेंटली दे वर उनकी जो अपनी हिस्ट्री है हिंदुस्तान की. आप ईरान में जाएं तो नौरोज तो मनाया जाएगा ना, चाहे मुल्ला हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, ईरान के अंदर वो खुश होते, उनकी अपनी फेस्टिवल है. देखिए अभी इजिप्ट के अंदर सारे मुसलमान हैं, लेकिन वो ममीज जो आई हैं अभी डे बिफोर यस्टरडे, वो अपना पास्ट तो नहीं अबेंडन करते, उनका इस्लाम से कोई तो ताल्लुक नहीं, लेकिन वो तमाम ममीज जो है यूरोप से, उन्होंने इतना शानदार जुलूस निकाला. वो अपने हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं, वो जहां रहते हैं उससे मोहब्बत नहीं करते. उनको आपकी दिल लगी मोहनजोदारो या टेक्सिला से है ही नहीं कुछ. आप जब भी बात करते हैं, आप कहते हैं अरे वो जो था महमूद गजनवी, वो वहां से आया, उसने ऐसा ऐसा मारा हिंदुओं को, होश ठिकाने आ गए सोमनाथ में. हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने हमें तबाह किया. आप तुर्की में चले जाएं, कोई नॉन टर्किश को इसलिए कहता है कि वो मुसलमान नहीं है, जिसकी जो सिविलाइजेशन है जो अडॉप्ट करता है. हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई शाह वलीउल्लाह के जमाने से ही, कि वी सॉर्ट ऑफ आस्क्ड द अफगान्स रिपीटेडली टू इन्वेड इंडिया. टीपू सुल्तान ने किया, शाह वलीउल्लाह वहां चले गए काबुल, उन्होंने कहा इन पे हम. अब्दाली इज द ओनली मैन हु डिस्ट्रॉयड लाहौर, बर्नड इट, क्योंकि हिंदुओं को साफ करने के लिए. आप आज के लाहौरियों को देखिए, वो अब अपने मिसाइल का नाम उन्होंने अब्दाली रखा हुआ. तो हिंदुत्व जो है, या हिंदू धर्म, एक तो हिंदू मजहब कोई है ही नहीं. आपका को 10,000 तो ऑप्शंस हैं कि आप किसमें बिलीव करें किसमें ना बिलीव करें. कोई हिंदू हिंदू बच्चा या मेरे साथी जो जिन दोस्त हैं, कोई हिंदू स्कूल में नहीं गया, ना वहां कोई मदरसा होता है उनका, घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं, इट बिकम्स ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उन पे कोई कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है. दे विल टेक एनी बॉडी, ज़ोरास्ट्री ना आए वो भी सेटल हो जाता है, मुसलमान आए वो भी सेटल हो जाता है. इंसान में वाहिद दुनिया में जगह है जो यहूदियों को नहीं मारा, वो भी इंडिया में है. तो जो हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है. जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है. आप हिंदुओं से पूछो, आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है, वो बस पानी पूरी खाए, बिरयानी खाए, दाल खाए, कुर्ता पजामा पहने, हिंदू कहलाता है. वो देखिए पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक, देयर इज नथिंग. आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री. फिर कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर अगान हो रही है. वो कह रहा है नहीं पढ़ी, दबाओ जाओ जान से, हम पढ़ रहे हैं अपना, साधु कहीं हिमालय में बैठे हुए नंगे. मैं तो क्या जो कौन सा फेस्टिवल है जो हर 12 साल बाद होता है, दरिया मिलते हैं इलाहाबाद या प्रयाग के अंदर, आई हैव बीन देयर. 10 दिन मैंने वहां भी काटे हैं, बिल्कुल पानी में, किसी को किसी के पर सब अपने लगे हुए, कोई किसी पे एग्जर्ट ये नहीं करता कि तू ये ठीक नहीं कर. और मैं
कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं जो मुझे शॉक लगा। मैं इंडिया कई दफा गया, मेरे ख्याल 10-15 दफा जा चुका हूं, जो मुझे स्टनिंग डिफरेंस लगा कि कोई किसी को कहता नहीं है। हमारे यहाँ नाजमाबाद में बच्चों के भाई जुम्मे की बार नमाज नहीं पढ़ रहा, ये क्या कर रहा, क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। हम चले जाते थे मस्जिद में कि महल्ले वाले डांट पड़ जाएगी, अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही, सारे कह रहे। यहाँ कोई किसी को नहीं कहता, जिसकी मर्जी है वो करता है, हर एक के घर में अपनी मस्जिद है, उनकी क्या टेम्पल होता है। ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना कोई किताब, किताब है तो 50,000 किताबें। और जब जलाया नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने, तो उसने कहा इनके पास 3 मिलियन किताब किस लिए, एक किताब होनी चाहिए कुरान। उसको 6 महीने लगे वो लाइब्रेरी को जलते हुए, पूरी बुद्धिज्म डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया से, वो सारे बुद्ध जो थे वो चाइना और जापान भागे। ये अब देखिए कि जापान और चाइना में बुद्धिज्म जो है वो इसलिए आया कि सारे जो स्कॉलर्स थे नालंदा के, जो बिहार में है, वो भागे वहां से, सबकी गर्दन उड़ा दी। दैट यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, नॉट अ सिंगल बुक रिमेन। और उस जगह स्टेशन का आपको पता नाम क्या है बिहार में, बख्तियारपुर। जिसने तबाह किया उसके नाम पे बख्तियारपुर रख दिया, ये तो मुगलों ने रखा। या जो होलीएस्ट सिटी हिंदुइज्म की है उसका नाम अलाहाबाद है। तो कुछ तो हम अपनी गिरवान में भी देखें ना, कि हम माइनॉरिटी हैं, 10% आबादी है पूरे हिंदुस्तान पर राज करके बैठे हुए। और काशी का टेम्पल है वो तोड़ा हुआ है, आगे हिंदू टेम्पल है पीछे मस्जिद बना दी ये बनारस में जो है। तो देर इज नीड फॉर अस टू रिफ्लेक्ट कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा था। उन्होंने कहा कि ये इन दूसरे जो नॉन मुस्लिम के हैं, उनके उनके खुदाओं और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ना करो, क्योंकि वो आपके भी कर सकते हैं। हमने कहा वो तो कहते होंगे प्रॉफिट मोहम्मद, हम क्या चाहते हैं, हम देखें ठीक हम पढ़ते हैं। एक बात आपको बताऊंगे, एवरी इन्वेडर ऑफ मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वॉज इलिटरेट, एंड वो बस मसल पावर के ऊपर आ रहे थे। यहां जो बैठे हुए थे इन्होंने भी तो अलेक्जेंडर से लड़े ना, पोरस जो था वो भी पंजाबी था, यू नो ही वॉज डिफीटेड। कई लोग ने हिंदुस्तान पे नजर रखी कि इसको लूटा जाए, दिस वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम एज मुस्लिम्स मानते ही नहीं है कि हम इंडियन है, हमारी हेरिटेज इंडियन है। जी सही ठीक, बल्कि ताजे बर्तानिया ने तो जिस तरह लूटा वो भी हमने देखा। आ गए जी जी, सब कुछ हिंदुस्तान का। आपको मैं एक बात बताऊं कि कैसे लूटा, यहां आके फौज उतारी जिन लोगों के पास, जैसे बंगाल में था, उन्हीं का उन्हीं पे टैक्स लगा के, उन्हीं के पैसे से उन्हीं की चीज खरीद के, वो रॉ मटेरियल पीछे जाता था विच वॉज बेसिकली फ्री, और उसको लाके यहां बेचा जाता था। यानी इट वॉज अ मास्टरफुल वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडियाज वेल्थ। द मोस्ट द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बिकेम पुअरेस्ट इन लेस देन 150 ईयर्स। तो लेकिन बिल्कुल वो तो चाहिए इन द एंड, वो तो सब कुछ ले गए। हम सब के सब, हमारी एंसेस्ट्री हिंदुस्तानी है, चाहे हम पिशावर से हों या सिलेट से हों, कहीं से हों। मर्दों की फौज आई थी, औरतों की फौज नहीं आई थी। तो कम से कम हमारी माएं तो हिंदू थी ना। लेकिन हमारे यहाँ औरत की वैल्यू इतनी कम है, कहते औरत का क्या है, वो तो कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे। औरत के मौजू पे अलग से मैं आपके साथ एक दिन जरूर प्रोग्राम करूंगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस मौजू पे भी आपसे करूं, मुझे मालूम है आपके पास बोलने के लिए उस पर बहुत कुछ होगा। लेकिन हम मौजू की जानिब वापस आते हैं, जो हम बात करें, एक और जो मैंने कहा कि तनकीद की जाती है, जहां उनकी बहुत बहुत से मामलात में तारीफ भी की जाती है, वहां पर एक तनकीद जो एक हमने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसका जवाब दिया, मुस्लिम और हिंदू के बीच जो एक तफरीक आई है उस दौरान, और कहा जाता है कि वहां के मुसलमान जो है बड़े खौफ में रहते हैं, बल्कि कई लोग आप की जानिब से, कई लोगों की जानिब से ही कहा गया कि वहां पे गाय ज्यादा महफूज है मुसलमान की निस्बत, तो इस तरह के बहुत से नारे लगे। अरुंधति राय और बहुत से ऐसे दूसरे हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, वो ये भी कहते हैं कि उनका जो नरेंद्र मोदी का एक माजी है आरएसएस से, वो जुड़ा हुआ है, जिस वजह, जिस बिना पर वो उनपे तनकीद करते हैं। तो हालांकि वो माजी बहुत पीछे रह गया, या आप समझते हैं कि वो उनके साथ ही रहेगा हमेशा, और इसी तरीके से उन पर तनकीद की जाती रहेगी उस वजह से।
तनकीद रहेगी। ये जो अरुंधति रॉय टाइप की, ये जो जिनको मैं कई दफा इम्मी आंटी कहा करता था, ये अपर मिडिल क्लास की खवातीन जो हु लिव इन अ डिल्यूजन कि वो व्हाट शुड लाइफ बी। तो ये वेस्ट में एक्सेप्टेंस के लिए तो एक किताब ये भी लिख दी गई थी बंगाल में इंडियन ऑथर की फ्रॉम न्यूयॉर्क कि पाकिस्तान ने एट्रोसिटीज बंगाल में की नहीं है। यू नो देर इज एन एलिमेंट ऑफ, जिस तरह पाकिस्तान के पंजाबी आमतौर पे पंजाबी नहीं बोलते हैं ना, वो शर्मिंदा रहते हैं कि कोई सानू चूड़ा ना कह दे, तो वो इसी तरह इंडिया की ये जो अपर मिडिल क्लास ग्रुप है जो प्रोफेसर्स को बाहर से बुला के ये कहते हैं कि नावल लिखवा दिया, अब किताब लिखवा दी कि औरंगजेब के हाथों तो कुछ हुआ ही नहीं, शियों से पूछ लो औरंगजेब के हाथों क्या हुआ। बट ये रहेगा एक तो इल्जाम, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी पुरानी है। आप इसको देखिए कि जब भी आप इंडिया और इस्लाम को देखें तो एक जहन में बात जरूर रखिए कि जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा इमाम हुसैन के साथियों को पकड़ने के लिए सिंध आता है, उसी दौरान यमन से मुसलमान आके केरला और तमिलनाडु में बसते हैं। हमने कभी उनको नहीं एक्सेप्ट किया जिनके रंग काले हैं। हमें तो ये भी नहीं पढ़ाया जाता पाकिस्तान में या इंडिया में भी कि पहले मुसलमान जो थे वो तो मलाबार में आए थे, ये मोहम्मद बिन कासिम कहां से आ गया। पहली दुनिया की मस्जिद मदीना के बाद बनी हिंदुस्तान में, वो जो बादशाह थे जिन्होंने ही वेंट टू मदीना, उन रसूल्ला के हाथों पे ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, और अपनी जमीन जो है उन्होंने वहां मस्जिद बनाने की कह दी कन्वर्टेड टू इस्लाम। ओमान में उनकी वो है कबर कहेंगे क्या, इबादत भी होती है, वह लोग उर्स पे जाते हैं। हमने वो चीज क्यों हटाई? क्योंकि हमें लज्जत ज्यादा आती जब हमारे हाथ से खून बहता। इतने देखिए जो इस्लाम का उरूज था 1258 तक, आप समझिए जब बगदाद पे अटैक हुआ मंगोल्स का, तितर बितर हो गए, और फिर उसके बाद जाहिल तुर्कों की हुकूमत आई जिन्होंने, आप सोचिए 600 साल में किसी ने कोई किताब नहीं लिखी आज तक। हम उन पे तवज्जो दे रहे, हम उन पे नहीं देख रहे कि बंगाल में मुसलमान आए कहां से, उनका तो कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता है ना किसी से। तो हर वो शख्स जो अमन और शांति के साथ आया हिंदुस्तान में वो हमारा हीरो नहीं है। एक सुल्तान, एक मुगल बादशाह नहीं है जिसने दुनिया की पहली मस्जिद का जो कोचिन में है वो दौरा किया हो। खैर उनको छोड़ो, एक ने हज तक नहीं किया। एक सुल्तान ऐसा नहीं जिसने उमरा किया हो, गद्दी नहीं छोड़ते थे, अल्लाह को तो बाद में बात करें। नॉट अ सिंगल मुगल वेंट फॉर हज, नॉट अ सिंगल खलीफा वेंट फॉर हज। वो तुर्की बैठे हुए थे, ये यहां बैठे हुए थे और शियों के बीच में ईरान में पिटाई कर रहे थे, ये इनका फेम था। लड़ लड़ के मर गए आपस में। तो हम जब अपनी कॉन्शियंस क्लियर नहीं करेंगे कि हमने क्यों, जो लोग हज्जाज बिन यूसुफ, आपको पता है कि उसने मक्का पे बम्बार्डमेंट करके खलीफा जुबैर को जब थे मक्का में, मक्का तोड़ दिया, काबा डिस्ट्रॉय कर दिया, 18 साल वहां हज नहीं हो सका, वो हमारा हीरो बन गया। और जिस जिन लोगों ने आके मस्जिद बनाई नीचे क्योंकि वो उनके रंग काले हैं या वो तलवार नहीं लेके आए, उन्होंने कहा इन्हें छट दियो। सो वी हैव अ फंडामेंटल एरर इन हाउ वी सी आवर सेल्व। उसमें हिंदू ने कभी रोका ही नहीं आपको। जो भी देखिए ये मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, फातिमाइट जो थे, जो खिलाफत एक ही गुजरी है मिस्र में फातिमाइन की, उनको सलाउद्दीन अयूबी ने वहां से तबाह किया। ये जो अल अजहर यूनिवर्सिटी को हम कहते हैं ना कि सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा वो है, इट इज फातिमा जहरा की यूनिवर्सिटी है, ये तो वहां के शियों ने बनाई। एक शिया जिंदा नहीं रहने दिया इन्होंने मिस्र में, सब भाग के यमन और उसके बाद हिंदुस्तान में आके पना ली। पूरी दुनिया में शिया सिर्फ हिंदुस्तान में पना लेता था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं शिया हूं, आई एम फ्रॉम अ सुन्नी फैमिली, बट दिस दीज आर द रियलिटीज नोबडी टीचेस अस। दुरुस्त जी, दुरुस्त फरमाया। दिस दिस वी शुड एक्नॉलेज। आप ये आप जिस दिन पेपर
प्यार का आधा हाथ बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि वो उनके आंखों में आंसू आ जाते कि हमें किसी ने रेकग्नाइज किया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इंडिया के अंदर बेतहाशा मुसलमान हैं, आरिफ मोहम्मद खान इज द लीडिंग पॉइंट, प्रिंसिपल्ड मुसलमान जो पैसा वैसा नहीं चाहते, वो सिर्फ हिंदुस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। ही इज अ गवर्नर ऑफ केरला, आप उनकी कैबिनेट में लोग बैठे हुए, एक वाइस चांसलर थे जिन्होंने गुजरात में मोदी जी के अगेंस्ट पूरी मूवमेंट लीड की, उनसे बातचीत करने के बाद आज तक कभी एंटी मुस्लिम राइट नहीं हुआ गुजरात में मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर आने के बाद, वरना हर साल दंगा फसाद सुनते थे। तो उनमें हजार बुराइयां भी हैं, वो उनको छोड़े वो नजरियाती हैं इकोनॉमी पे ये सब, बट द मैन इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, कोई दौलत नहीं कर रहा, पैसे लेके भाग के कनाडा की सिटीजनशिप नहीं ले रहा, ये सब हमारे सामने। हमारे यहाँ पाकिस्तान फौजी जनरल्स कितने कनाडा में रहते हैं, उनके पास दोनों पासपोर्ट हैं। तो वी नीड टू बी हम्बल अबाउट हु ऐसे ही है जी। आपका आपका पॉइंट सर मुझे पहुंच गया व्यूवर्स तक, नाजरीन तक, आपने बिल्कुल बहुत वैलिड एक बात कही कि खुद उनके ऊपर जो है जाती तौर पर कोई इस किस्म की इल्जाम नहीं है करप्शन के हवाले से। अच्छा एक चीज, आप भारत में इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ मुजाहरे भी हुए, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी मोदी जी जब उधर बांग्लादेश गए थे वहां पे मुजाहरे हुए, फिर भारत के अंदर भी साउथ में जो है मुजाहरे हुए और जगहों पर, और एक कैंपेन भी चली, तो इस वक्त क्या आप देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस की, मैं देख रही थी कुछ रैलीज प्रियंका की और दूसरे राहुल गांधी की, इन सब की, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी वहीं पर बरकरार है, कम होगी, कम हो रही है, या कांग्रेस को आप कुछ आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? मैं एक बात आपको बताऊंगा, अगर प्रियंका होती तो इस वक्त कांग्रेस की हालत नहीं होती। ये शी इज अ स्मार्टर वुमन, शी कैन आर्टिकुलेट हर पोजिशन। आप राहुल को कभी सुनिए तो सही, क्या बात क्या कह रहे होते हैं, जा किधर रही होती है। ही इज आई एम सॉरी टू से बट ही इज लाइक आ बिलावल, यू कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ हिम। शशि थरूर को मैं देख रहा हूं, ये लोग अगर आए तो इट वुड नॉट बी इजी फॉर अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी। बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, फिर मुश्किल होगा, लेकिन आपके साथ आप रेस लगा रहे हैं 100 मीटर की, कोई है ही नहीं उसमें, तो आप ही जीतेंगे ना, कौन और जीतेगा? Exactly. जो बैनर्जी हैं अपने आप को अल्ट्रा मुस्लिम बना के प्रेजेंट कर रही हैं वहां पे, तो लोग अंधे तो नहीं है। उससे पहले आप सोचिए 36 साल कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी बंगाल में, गायब हो गए सब एकदम से लोग। मैं आप सही कह रहा हूं, लोग चाहते हैं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उनको जिस तरह हमारे यहां नौकरों को नहीं कहते हे चले गए देख क्या रहे हो, हाउ वी स्पीक टू पीपल हु आर पुअरर देन अस टेल्स अस हु वी आर, क्योंकि हमसे कुछ ज्यादा पैसे वाला भी है जो हमको धुतकार के कर सकता है। तो जब आम किसान जो या खेती बाड़ी करने वाला वो देखता है कि एक आदमी पैसे नहीं बना रहा बल्कि बैंक अकाउंट खुलवा रहा है, आईडी कार्ड सबके पास हो गया है, आना जाना इंडिया की वीजा एप्लीकेशंस अब कम रिजेक्ट होती हैं, इट इज नाउ पार्ट ऑफ G20, हर जगह देख रहे हैं आप। इस वक्त आप यूएस प्रेसिडेंट का देखिए, 30 आदमी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में They are of Indian birth. हमारी जो एक दो तीन हैं उनको कश्मीर सवार पे चढ़ा हुआ, वो आ जाके फिर फंस जाते हैं उसी जिहाद और इस चक्कर में। तो कोई हमें हमसे जब लोग खौफ करें कि पागल है मुसलमान है किसी वक्त भी बम मार सकता है, तो हमारी तो कहीं भी इज्जत नहीं रह गई ना। कोई ये किसी हिंदू को देख के तो नहीं कहता कि ये जाके इटली के अंदर बम फोड़ देगा, लेकिन पाकिस्तानी रेफ्यूजी आता है तो देखिए टर्की कैसे हमें ब्लैकमेल कर रहा कि पाकिस्तानियों की किश्ती भर के भेज देता है ग्रीस के अंदर कि अगर तुमने ज्यादा बोला हम पाकिस्तानी भेज देंगे, इतने बदनाम हो गए हम क्या। तो इंडियन की इज्जत ओवरसीज भी बढ़ गई है, पढ़े लिखे भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं। अभी ये COVID-19 में देखिए अमेरिका के अंदर कितने डॉक्टर्स सामने आते हैं, हमारे पाकिस्तानी भी हैं इन्वॉल्व, बट स्टिल इट इज अ कम्युनिटी दैट इज ग्रोइंग इन इट्स अपने आप से रिस्पेक्ट करने के लिए। हम
जी जो है उसको हिंदू नेशनलिज्म कहते हैं। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हिंदू नेशनलिज्म कोई चीज ही नहीं है। मैंने बहुत पढ़ा है, उसमें कोई ऐसा मौका ही नहीं आता कि किसी को मार दो या ये कर दो या जिहाद पे चले जाओ। इट इज विदाउट दैट वो जी ऑर्डर। दुरुस्त जी, तारिक फतेह जी, बड़े बड़े आपने बहुत अच्छे तरीके से एलाबोरेट किया इसको, और ये बात तो बिल्कुल सब मानते हैं और सब जानते हैं कि भारतीय लोग पूरी दुनिया में जिस तरीके से मुख्तलिफ हमें की पोस्टों पे नजर आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर वो अमेरिका में, दूसरी जगहों पर, हुकूमत के अंदर, हुकूमत के बाहर काम करते हुए नजर आते हैं, उस तादाद में हमें उससे पाकिस्तान उससे में बहुत पीछे है, कहीं पर लोग नजर नहीं आते। और इसके अलावा जो भारत की तरक्की की बात की जाए तो भारत ने बहुत तरक्की की है, हर मैदान में भारत ने बहुत तरक्की की है, पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये भी कहा जाता है ना कि ये एक पॉपुलिज्म है, पॉपुलिस्ट कैंपेन एक मूवमेंट थी, जिसमें हमने देखा कि ट्रम्प भी आए उसमें, फिर हमने बोरिस जॉनसन और दूसरे बहुत से लोगों को हमने देखा कि इस तरीके से दुनिया में जो ऐसी हुकूमतें आ रही हैं जो कि बहुत पॉपुलर लीडरशिप है, तो ये आप समझते हैं कि ये नरेंद्र मोदी भी उसी एक मूवमेंट का हिस्सा है, या ये अपने तौर पर एक अलहदा किरदार के तौर पर इसको कायम रख पाएंगे? मैं इसको जरा सा, अगर आप मुझे वक्त दे, देखिए 1990 1990 में कोल्ड वॉर खत्म हो गई, द सोवियत यूनियन डाई। जो 1990 तक नजरियाती इख्तलाफ होते थे कि किस किस्म की इकोनॉमी होनी चाहिए, नेशनलाइज क्या होना चाहिए, आर्ट कहाँ होना चाहिए, ये एक कलोसल डिफीट हुई हमारे जैसे लोगों के लिए जो लेफ्ट ऑफ सेंटर थे, या हम जैसे नेशनल अवामी पार्टी में थे या सपोर्ट करते थे ट्रेड यूनियन। हम में से कुछ को धचका लगा। मैं आई एम टेलिंग यू फॉर मेनी डेज, फॉर ऑलमोस्ट फ्यू इयर्स, आई आई कुड नॉट इमेजिन कि जो हम सोचते थे उसका इतना अर्ली कोलैप्स होगा कि बट गई पूरी दुनिया। इसके नतीजे में द जो फोर्सेस निकली उसको हम इस वक्त तो पॉपुलिस्ट कहते हैं, लेकिन इट इज दी अराइवल ऑफ नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक, जिसके अंदर आपकी बरादरी, आपका धर्म, आपका मजहब, आपकी फैमिली ओरिजिन, दैट काउंट्स फॉर योर लॉयल्टी। है उससे पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, यू आर फार टू यंगर, के यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते थे, जमीयत के लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, एनएसएफ की सपोर्टर्स थे पिंडी में, पंजाब यूनिवर्सिटी कराची, सिंध के अंदर बीएसओ होती थी, एवरीथिंग वाज आइडियोलॉजिकल। ये नहीं होता तू शेख बरादरी का, तूने उसको वोट दे दिया, और तू क्रैशी है, तूने उसका। वी हैव संक इनटू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारी चमड़ी का रंग काम करता है, जो मजहब हमें माँ बाप ने दिया होता है वो काम कर। हम अगर शेयर बरादरी के हैं, कसूर के हैं, तो इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? पहले ये होता कोई था, कंट्रीब्यूशन नहीं, आपकी बिल्कुल सोच की कंट्रीब्यूशन थी कि यार मैं समझता हूं यूनिवर्सिटियों को प्राइवेट नहीं होना चाहिए, या लम्स फॉर एग्जाम्पल शुड बी नेशनलाइज, यू नो, दो उस टाइप की बहस होती थी कि पब्लिक इशू क्या है, पासपोर्ट किसको मिलना चाहिए, जमीन की सबसे बड़ी कितनी बड़ी लैंड होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम लैंड होल्डिंग। अब तो वो बात ही नहीं है, अब तो ये है कि ऐसा कर देंगे, और हम जिहाद, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मैं उठते के साथ ही जिहाद पे जाता हूं, और वो कह रहे हैं कि ये जो जीन्स फटी भी होती हैं ये लड़कियां इनवाइट करती, 900 चूहे मार के बिल्ली हज को जा रही है। अब आप सोच सकती हैं कि कभी ये, यू आर टू यंग, आई कैन नॉट इमेजिन कि 1970s में कोई स्टूपिड बातों पे बात करता था। मैंने किसी को देखा ही नहीं हिजाब में टिल आई लेफ्ट पाकिस्तान 78। सब दुपट्टा पहनती थी, सब अपना जो उनका कल्चर था वो सेलिब्रेट करती थी यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ सब थे, माई वाइफ बाय द वे वॉज विथ मी इन द यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग कपल्स फ्रॉम 1970। तो हम उस वक्त भी वी कुड स्टे टूगेदर, गेट मैरिड, कोई हम पे पथराव नहीं हो रहा था। हाँ, वो शिया थी, मैं सुन्नी था। आई एम सीरियस, इट वॉज लाइक पाकिस्तान वॉज पैराडाइज, कि लेफ्ट भी है राइट भी है। हमारा जमात इस्लामी वालों के साथ
बैठ के चाय पी के, बल्कि मैं तो ये बहस करता था कि चाय मुफ्त मिल जाए मुझे, वी वुड डिस्कस इट लाइक जेंटलमैन। खुदा की कसम कोई किसी को मारता नहीं था, अब उठा के गुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फरमा रहे हैं आप जी, ऐसे ही था। तो ऐसी कोई मोहब्बत इंडिया से नहीं है। सीधी बात यह है कि वहां जमहूरियत है, अब भी इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, अगर हिंदू नेशनलिज्म की बात हो रही होती तो ये जो बंगाल और तमिलनाडु और इधर उधर आसाम में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां इलेक्शन होता ही नहीं, जो सबसे बड़ा हिंदू है वो जीत जाता। लेकिन हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ाई हो रही है ना, इट इज अ सेविंग ग्रेस। और हमारे हरकतें, हम बैकवर्ड गियर में हैं। प्लीज ऑनेस्ट गॉड, अपने सुनने वालों को कहिए, खुदा के वास्ते थिंक अबाउट के मार्स पे दुनिया भर लैंड कर रही है, हम क्यों नहीं लैंड कर रहे? हम तो मनोड़ आइलैंड पे लैंड नहीं कर पाए। जी जी सर, अब तो यूएई वाले भी पहुंच गए मरीख पर। कुत्तों सीख लेना, मैं तो शर्म आ देखिए। बट वी आर केपेबल। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग पाकिस्तान में रहे, दे आर इनक्रेडिबली वाइब्रेंट, हेल्थी। वहां फाके कभी नहीं आए, आपने नहीं देखा होगा कि 10 लाख आदमी मर गए जैसे बंगाल में हुआ या बिहार। नहीं नहीं हाँ, सो वी हैव कम वेयर वी न्यू हाउ टू लिव विद हिंदूज एंड सिख्स। लाहौर में हमारे कौन से झगड़े हो रहे थे? रंजीत सिंह बादशाह था, उसके 2-3 जनरल तो मुसलमान थे, उसकी 2 बीवियां मुसलमान थी। ये रहने वालों को, जिनको पता था कैसे रहा जाता है, उनको पागल बना दिया। उनको कुछ पता ही नहीं है सिवाय इसके कि ओ मार देंगे, ओ छूट देंगे। दंगा फसाद का कल्चर कैसे एक्सेप्टेबल हो गया हमें? रसूलुल्लाह का पिक्चर निकाल दिया था, उन्हें गुस्सा ही नहीं आता था। अरे गुस्सा ही खत्म कर दो। बुल्ले शाह को गुस्सा आया तो नहीं आया ना? लेट्स मेक हिम द रोल मॉडल।